लोग अपने क्षेत्रों का बिहार के बारे में आरक्षण के बारे में अन्य चीजों को रखने का काम करते हैं। माननीय सदस्य अजीत कुमार सिंह जी ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव दिया था। हम लोग का मानना था कि अगर सरकार नहीं मानती है तो हम लोग वोटिंग हम राइट है हमारा नियमावली है कि अगर सदन सहमत नहीं हो तो उसमें वोटिंग हो। हम लोग वोटिंग कराना चाहते थे, मत विभाजन कराना चाहते थे, लेकिन सरकार इशारा पर सरकार के इशारे पर विभाजन की घोषणा होने के बाद घोषणा के होने बाद सरकार के इशारे पर स्पीकर ने मत विभाजन नहीं कराया तो ये तो नियम का उल्लंघन है। इसलिए हम लोगों ने सभी साथियों ने राय किया कि जब हमारे अधिकार पर चोट पहुंचाया जा रहा है और आरक्षण विरोधी सरकार बैठी है और उसके गोद में माननीय नीतीश कुमार जी जाकर बैठे हुए हैं और उनके गोद में बैठकर किलकारी भर रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ में ये प्रस्ताव लाते हैं कि ये आरक्षण विरोधी सरकार है और ये सदन जो चल रहा है स्पीकर चला रहे हैं वो भी नियम के विरुद्ध चला रहे तानाशाही रवैया है। इसलिए हम घोर निंदा करता हूं और हम सारे सदस्य विधानसभा से वॉकआउट कर गए। अभी 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 विधानसभा का सत्र चल रहा था और गैर सरकारी संकल्प था और आप जान लीजिए कि गैर सरकारी संकल्प में सरकार के पास में सदन के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिया जाता है और उसमें अजीत कुमार सिंह का जो है संकल्प था आरक्षण 65% लागू करने के लिए नौवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए और इस सवाल को लेकर के सरकार के तरफ से निगेटिव जवाब दिया गया और नियमावली कहता है कि इस बिंदु पर जब भी कोई गैर सरकारी संकल्प होगा तो संकल्प रखने वालों का ये अधिकार है कि वो वोटिंग की मांग कर सकता है और अजीत कुमार सिंह ने वोटिंग की मांग किया। नियमावली कहता है कि वोटिंग होना चाहिए लेकिन सरकार के इशारे पर चूंकि वोटिंग होता तो वो हार जाता, सरकार बेनकाब होती और अपने चेहरे को छिपाने के लिए उसने वोटिंग जो है नियमावली को तोड़ते हुए राइट का हनन करते हुए वोटिंग को रोका और इसके खिलाफ में पूरा विपक्ष महागठबंधन के सभी लोग राजद कांग्रेस सीपीआई सीपीएम माले सभी लोगों ने जो है विपक्ष वॉकआउट किया है और ये दिन जो है काले दिन के रूप में याद रखा जाएगा और इसी संदर्भ में हम लोग हैं यहाँ। इसी सदन में माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार दोहराया है कि शिक्षा को 9वीं अनुसूची में डालने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है और अनुरोध किया गया है, लेकिन आज जो है जब गैर सरकारी संकल्प में हमारे आरक्षण को गैर सरकारी संकल्प में डालने के लिए हमारा जो माननीय सदस्य अजीत कुमार सिंह ने प्रस्ताव लाया तो उस प्रस्ताव को वापस लेने का आग्रह किया गया आसन से सदस्य अध्यक्ष ने, लेकिन हमारा अधिकार है नियमाकुल विधानसभा के नियमावली के तहत अगर हम वापस नहीं लेते हैं तो किसी भी गैर सरकारी संकल्प पर वोटिंग होगी और अभी जो है वोटिंग कराने का जाहिर करने के बावजूद भी हमारा अधिकार को दरकिनार कर दिया और इनका जो मंत्री है सामान्य प्रशासन के जो मंत्री है विजय कुमार चौधरी ये सदन को गुमराह कर रहे हैं कि चूंकि हाईकोर्ट ने इस मुद्दे को रिजेक्ट कर दिया है इसलिए सरकार प्रस्ताव भेज नहीं सकती है। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री बोलते हैं कि आरक्षण के सवाल को लेकर के 75% देने के लिए हमने प्रस्ताव भेज दिया है, दूसरी तरफ उनके मंत्री जो है सदन में बयान देते हैं कि प्रस्ताव सरकार भेज ही नहीं सकती है। ये जो गुमराह करने वाली बात है, ये जो पूरे देश को पूरे सदन को गुमराह कर रहे हैं, पूरे बिहार को गुमराह कर रहे हैं, दलितों के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसका जवाब मुख्यमंत्री को देना होगा और सदन तानाशाह रवैया के चलते नहीं चलेगा। आज जो है स्पीकर का चेहरा बेनकाब हो गया, वो आरएसएस के इशारे पर सदन चला के संविधान का गला घोटने का आज काम किया है। ये बिहार विधानसभा के सदन का इतिहास में एक काला दिन के रूप में चिन्हित रहेगा। इसलिए हम तमाम साथियों ने
गैर सरकारी संकल्प पढ़ने का कोई औचित्य नहीं समझा हमने विरोध प्रकट करने के लिए और आरक्षण को नवी अनुसूची में डालने के लिए सरकार पर दबाव डालने के लिए जनता के पास जाएंगे, बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।